प्रस्तुति बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन, हाजिर हूं आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत मुख्य समाचारों से, खबरें विस्तार से किंतु थोड़ी देर में। Saina International School. Hey, the students get chance to find out their hidden abilities and potential. और खबरें अब विस्तार से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर के विभिन्न केंद्रों पर चल रही इंटरमीडिएट की परीक्षा, छात्रों ने लिखे पेपर। हालांकि शुक्रवार के प्रथम पाली में राज उच्च विद्यालय से मिथिलेश कुमार, द्वितीय पाली में एमएलएसएम कॉलेज से सत्यम कुमार सिंह को नकल करते पकड़ा गया और परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। शहर के 30 केंद्रों पर चल रही है इंटरमीडिएट की परीक्षा। शुक्रवार को प्रथम पाली में राज उच्च विद्यालय से मिथिलेश कुमार, द्वितीय पाली में एमएलएसएम कॉलेज से सत्यम कुमार सिंह को नकल करते पकड़ा गया और परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। आज पे गाड़ी कोई नहीं लाएगा, करने वाला है। दो लाइन बना, तीन बोले क्या, दो लाइन बना लो, दो लाइन बना, बढ़िया चला। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। महाराजा कामेश्वर सिंह सामाजिक विज्ञान एवं शोध पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में पांडुलिपि दुर्लभ पुस्तक सामग्रियों के प्रतिरोधात्मक संरक्षण विषय पर चल रहा कार्यशाला संपन्न हो गया। महाराजा कामेश्वर सिंह सामाजिक विज्ञान एवं शोध पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में पांडुलिपि दुर्लभ पुस्तक सामग्रियों के प्रतिरोधात्मक संरक्षण विषय पर चल रहा कार्यशाला संपन्न हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जोड़कर कैसे लाइब्रेरी को प्रिजर्व किया जाए और कैसे इसको बढ़ाया जाए, इसकी बड़ी जरूरत है।
है, अगर कोई हो गया तो दूसरा चीज मानता है, और अरस्तु उन्हीं रचनाओं को मानता था। हिंदुस्तान को अगर समझना है, ग्रीक को समझना है, तो दार्शनिकों को समझने की जरूरत है, और लाइब्रेरी से अहम भूमिका कुछ भी नहीं हो सकती है। लाइब्रेरी में बैठे बैठे भी थोड़ा ज्ञान हो सकता है। अगर लड़के नहीं जा रहे हैं, टीचर्स नहीं जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये चिंता का विषय है, लेकिन इस पर विचार करने की जरूरत है। और नहीं जा रहे हैं उसमें ऐसे लोगों की मैकुले की शिक्षा पद्धति की पृष्ठभूमि हो सकती है। उपस्थिति के कारण इस वर्कशॉप जिस मंशा से शुरू किया गया था उसमें एक हद तक सफलता प्राप्त हुआ, और ये उम्मीद नहीं करता हूँ विश्वास करता हूँ कि प्रतिभागी 5 दिनों के वर्कशॉप के बाद एक ज्ञान का भंडार लेकर के वापस लौट रहे हैं। और ज्ञान द इसेंस ऑफ नॉलेज इज टू हैव इट एंड ऑल्सो टू यूज इट। यहाँ से जो ज्ञान अर्जित करके ले जा रहे हैं मैनुस्क्रिप्ट कंजर्वेशन से संबंधित, उस ज्ञान का उपयोग अपने अपने स्थानों पे करेंगे, तभी ये वर्कशॉप की सफलता मानी जाएगी। सरफराज आलम, BTN न्यूज। सभी बीओ की बैठक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में होना था, जिसमें कोई भी समय पर उपस्थित नहीं हो सके और बैठक को स्थगित करना पड़ा। कल्याण विभाग द्वारा दिए जा रहे छात्रवृत्ति की राशि स्कूलों के माध्यम से छात्रों को दिया जाएगा, जिसमें बीओ ने अपनी रुचि नहीं दिखाई और बैठक में अनुपस्थित रहे। सरकार के मुख्य योजनाओं में छात्रवृत्ति योजना भी शामिल है, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने नहीं दिखाई अपनी रुचि। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा आदर्श मध्य विद्यालय में आयोजित थी बैठक, जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें दिया गया था। इसके बावजूद वे बैठक में अनुपस्थित रहे। इंटर परीक्षा के कारण अगर वे नहीं पहुंचे तो अपने सहकर्मी को भी बैठक में भेजने का निर्देश दिया गया था, फिर भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बैठक में ना खुद पहुंचे ना ही अपने सहकर्मी को भी जाने दिया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा आयोजित एक अहम बैठक को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अनुपस्थिति की वजह से स्थगित करना पड़ा। SC ST छात्रवृत्ति योजना का पैसा है कल्याण विभाग के द्वारा जो यहाँ मिलता था वो अब शिक्षा विभाग के द्वारा मिलेगा, उसी सूची के लिए कि प्री रिसीट हमको मिल जाए ताकि ट्रेजरी से हम उसका अमाउंट निकाल सकें और निकाल करके लाभुक के खाता में डाला। ये क्यों नहीं बैठक हुई? बैठक क्यों नहीं है? आपके निर्देश फिर से बुलाएंगे मीटिंग, चूँकि परीक्षा भी चल रही है और परीक्षा में लोग प्रतिनियुक्त हैं, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट बहुत सारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लगाए गए हैं, हो सकता है कि कम्युनिकेशन का गैप हो गया हो, फिर आपने जानकारी नहीं मिला हो। आपने कैसे इस बैठक को आज के दिन में आयोजित किया था? यदि वो एग्जाम के ड्यूटी में हैं तो कैसे आप सर ये? हम लोग उनके बदले में बड़े BRP को बुलाए थे तो सर... कि अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रतिनियुक्त जहाँ के हैं वहाँ के बड़े BRP आए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। तो क्या सर माना जाए, जो सरकार का एक बड़ा योजना है, ये बड़ा योजना और जनहित के लिए योजना है, इस योजना में बीओ को कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, इंटरेस्ट तो है ही। सर, अगर हो सकता है कि पेपर नहीं देख पाए हो, उनको कम्युनिकेशन नहीं हो पाया हो, फोन से बात नहीं हो पाई है, हमारे बाबू फोन लगाए थे, उन लोगों को नहीं लग पाई है, क्या प्रॉब्लम है हम लोग। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। टीवी सीरियल शक्तिमान के कलाकार मुकेश खन्ना ने बड़ा बाजार स्थित ब्लू बटरफ्लाई प्री स्कूल का फीता काटा और दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन किए। इस अवसर पर मेयर वैजयंती देवी खेरिया समेत कई लोग मौजूद थे।
अभिनेता, टीवी सीरियल शक्तिमान के जाने माने कलाकार मुकेश खन्ना शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। बड़ा बाजार स्थित ब्लू बटरफ्लाई प्री स्कूल का फीता काटकर दीप प्रज्वलन के साथ उन्होंने उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेयर बेजंती देवी खेरिया समेत कई लोग मौजूद थे। अंकल इधर इधर अंकल शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। Providing something different. India's first scientifically designed and technology-oriented school we are having here now in Darbhanga. Ideas, skills, and creativity. Tension हो रही होती है। उस वक्त हम बच्चों का हाथ नहीं पकड़ते और हम टेंशन लेते हैं क्लास 10 के बोर्ड्स के एग्जाम के आने के बाद। तो हमारा स्कूल बहुत ही यूनिक कंसेप्ट से रन करती है। इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल स्कूल, जैसे आप बच्चे को प्री स्कूल में डालते हैं, दो तीन साल की उम्र में सोचते हैं कि नॉर्मल स्कूल जाएगा, थोड़ा उठना बैठना सीख जाएगा और स्कूल में डालते हैं। तो बट उस वक्त हमें वो चीज़ पता नहीं होती कि उस वक्त बच्चों का फाउंडेशन हो रहा होता है। हमें सही आगे जाना चाहता है तो अभी मुकेश खन्ना साहब आपके सामने बैठे हैं। मुकेश खन्ना साहब की म्यूजिक की टीम आपके बच्चे को गाइड करेगी उस हिंदुस्तान में परचम लहराने के लिए। दोस्त अगला सर्विस हमारा है हाउ टू एंजॉय एग्जाम, एग्जाम को कैसे फेस करें, कैसे एंजॉय करें। और सबसे बड़ा जो सेशन हमारा है, अभी सर के साथ मेरी बात हो रही थी होटल के अंदर, कॉन्फिडेंस बूस्टर प्रोग्राम, मैं बता रहा था सर को कि जब 15 अप्रैल को सर आप कोलकाता में होंगे, 15 अप्रैल को मैं इनको बोल रहा था कि सर जब आप कोलकाता में होंगे हजारों लोग होंगे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल
जिसमें इस बार की एनिवर्सरी ब्रेन गेटवे की मनाई जाएगी। इसके सामने आप कुछ भी देंगे, ये आँख पे पट्टी बांध करके आपको वो सारी चीजें बताएगी जैसे आप खुली आंखों से बता सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस में से कोई भी एक एक करके आए, एक दो आदमी आए और आए और अपने पास उनके पास कुछ भी कार्ड हो। जी सर आए। एटीएम कार्ड ही है, यहाँ रेड और येलो का सर्कल बना है। 09885105 6523 0156 8860 एटीएम कार्ड है। और दूसरे उनके टीम के मेंबर हूँ जिनकी वजह से मैं सबसे बड़े फैन भीष्म पितामह के साथ में हूँ। आपके सामने ये प्रोग्राम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। अमित कुमार गिरी जी आए हैं, ये भी कुछ हम लोग को देने ही आए हैं, लेने नहीं आए हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य बनाना सबके बस की बात नहीं है। ये किस्मत वाले ही लोग बच्चे का भविष्य बना सकते हैं। सबको मन की और सबकी उम्मीदें भगवान पूरी नहीं करता है कि ये बच्चे का भविष्य बना दे। और जो इन लोगों में टैलेंटी है, जो इन लोगों में जो बताया है, अगर वैसे दरभंगा के बच्चे अगर बन जाते हैं तो हम लोग को इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। संजय गिरी जी जो अभी बोल रहे थे बहुत अच्छी बातें, उनका भी सुन के हमको बहुत खुशी हुई। चलिए देर आए दुरुस्त आए। चाहूं तो आप सभी को यही कह सकता हूं कि आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रियों, शतपुत्रवती भव नहीं कहूंगा। एक बार द्वापर युग में पितामह ने धृतराष्ट्र को कहा था शतपुत्रवती भव, तो 100 पुत्रों ने पितामह को बाणों की शैया पर लिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आज के युग में वैसे भी 2 या 3 बस। और बच्चों को शक्तिमान की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो, हाँ मेरी माँ, बच्चों को शक्तिमान की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो यही कहूंगा कि वो बच्चा सोच रहा अभी तक उड़ के क्यों नहीं चला। मेरे साथ यही दुविधा है पुत्र, कि मैं हर मोमेंट ऑफ माय लाइफ, एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ, हर पल हर क्षण 2 रूप लेकर जीता हूं, 2 डिफरेंट अलग 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 शख्सियत की, अलग अलग औरा के, अलग अलग दिनों के। उस 2 रूप को मुझे लेकर हर पल जीना पड़ता है। मेरे सामने एक डबल उम्र की माता जी आकर ऐसी खड़ी हो जाती, वैसे डबल उम्र की हो नहीं सकती क्योंकि मेरी उम्र ही 160 साल है। बुजुर्ग माता जी मेरे सामने यूं खड़ी हो जाती है ऐसे करके, मैं कहता हूं माता जी आप बुजुर्ग हैं आशीर्वाद दीजिए, बोले नहीं 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 तुम्हें तो पितामह छो हमारी बहू छे, मुझे बोलना पड़ता अखंड सौभाग्यवती भव। साथ में ये भी कहती है कि हम तो आपको पितामह के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। और बच्चा ऐसे देखता है मुझे और बच्चा अक्सर मेरा कोट पकड़ते कहते हैं ए ए उड़ के दिखाओ ना। कोई बच्चा मुझे कहता है ए, 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 जादू करके दिखाओ ना, मैं बोलता चुप, कोई जादू नहीं होता, कोई उड़ना नहीं होता, सब कंप्यूटर में होता है, सब कंप्यूटर में होता है। पर खुशी है मैं उन भाग्यशाली बच्चों में हूं, आप सब भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने अपना बचपन जिया है। आज के बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। खन्ना की जिंदगी का एक रहस्य बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी यहां पर हमारे यहाँ के जो चेयरमैन साहब, हमारे जो अमित गिरी ने एक बात कही थी कि हम लोगों का टैग लाइन है एवरी चाइल्ड इज यूनिक, करेक्ट? यस। उस बात को मैं ये साबित करना चाहूंगा कि जो मुकेश खन्ना आपके सामने खड़ा है, इस मुकेश खन्ना का मैं एक रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं अपनी क्लास में 27वां नंबर आया था, 50 में से 27वां नंबर आया था मुकेश खन्ना स्कूल में। और मैंने अपने भाई को जो अमेरिका में रह रहे थे लिखा, मैं 27वां नंबर आया हूं।
मुकेश खन्ना की एक झलक पाने को उतावले दिखे लोग, काफी उत्साहित थे बच्चे और बूढ़े भी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक हुई, साथ ही युवाओं का विभिन्न पदों पर मनोनयन किया गया। हॉस्पिटल में कौन कौन लोग दे सकते हैं, हाथ उठाकर बताइए। अच्छा लगा, सब लोग बैठ जाइए, बैठिए। त्याग और बलिदान, अगर हम त्याग नहीं कर सकते तो समाज में क्षत्रिय कहलाने का हक नहीं है हमारा। तो अब रक्तदान की बात आती है, रक्तदान वही कर सकता है जिनकी रक्त शुद्ध हो, सही हो, जिनको कोई डिजीज ना हो। आज हमारे युवा जितने भी हैं, मैक्सिमम लोग नशा पानी, गुटखा, सिगरेट, इन सब चीजों का यूज करते हैं। तो रक्तदान करने के लिए पहले इन सब चीजों को त्यागना होगा, जो एक सामाजिक कुरीति है। अगर आप कहीं चलते हैं, गुटखा खाते हैं, किसी के घर के आगे थूकते हैं, अगला घर वाला बेशक आप के सामने ना गाली देता हो लेकिन पीछे में जरूर गाली देता है कि कैसा बेवकूफ आदमी है मेरे घर के आगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय की बैठक हो रही है आज। अखिल भारतीय क्षत्रिय कमेटी दरभंगा जिला इकाई के तरफ से आज युवा कमेटी में किसी कार्य करने के लिए हमको युवाओं की जरूरत महसूस होती है और युवाओं द्वारा ही काम कार्य किया जाएगा, इसलिए युवाओं को एक बैठक बुलाई गई है जिसमें युवाओं कुछ उपस्थित हुए हैं। उसमें कुछ युवाओं के पदाधिकारी को नियुक्त करूँगा और उसमें उस युवाओं से अनुरोध करूँगा कि वो सभी युवाएं मिल के, सभी व्यक्ति मिल के, सभी युवा लड़का मिल के गाँव घूम के एक टीम बनावे, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर तक लावे। और जिला स्तर तक जब हो जाए तो पूरे जिला का एक जगह संगठित करके एक मीटिंग होगा जो बाद में किया जाएगा। पहले हम लोग पंचायत और गांव से शुरू कर रहे हैं, युवाओं को निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि एक टीम बना ले प्रत्येक पंचायत स्तर पर युवाओं का। और जब बन जाएगा, एक महीना के टाइम है उसके पास, पूरे फरवरी 15 मार्च तक सबके पास में टाइम है। टाइम बॉन्ड कमेटी बने, 15 मार्च से पहले टोटल जिला के कमेटी युवाओं द्वारा निर्धारित किया गया है जो बना दे। गठन के संगठन के माध्यम से हम जब होगा हर पंचायत में, हर टोला में, तो उसके गठन के, उसके कमेटी के माध्यम से एनजीओ का गठन करेंगे। इंद्र कुमार